हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे हो चैनल एक्सप्लेन। तो अभी मैं पॉलिटिकल साइंस का इंग्लिश वालों को और हिंदी वालों को दोनों का आंसर प्रोवाइड करूंगा इसी वीडियो में, ठीक है भाई। मैं दोनों को डालूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए डालने वाला हूं, ठीक है। तो इस वीडियो में हिंदी वाले को भी मिलेगा, इंग्लिश वाले को भी मिलेगा, तो देखते रहना एंड तक, आपको मिल जाएगा दोनों को, ठीक है। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो हमारा है फोर्थ, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। तो फोर्थ में जैसे लिखा है, व्हाट इज़ जस्टिस, क्रिटिकली एग्जामिन जॉन रोल थ्योरी ऑफ जस्टिस, और नीचे लिखा है न्याय से क्या तात्पर्य है, न्याय पर जॉन रोल्स के विचार की समीक्षा कीजिए। तो हिंदी में भी दूंगा, इंग्लिश में भी दूंगा, वीडियो को एंड तक देखना, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है, इसी वीडियो में। हाँ फ्रेंड्स, तो पहले इंग्लिश वालों को मैं बता रहा हूँ, फिर हिंदी वालों को भी बताता हूँ, ठीक है। इन्हीं के बाद इसी वीडियो में मिलेगा, चिंता मत करो, थोड़ा आगे करोगे मिल जाएगा, थोड़ा आगे स्किप करके देखोगे तो इंग्लिश वालों को मिल जाएगा। तो जस्टिस का देखो, यहाँ से आपको लिखना है, इधर से ये जस्टिस का पहले इंग्लिश वालों को उतार रहे हैं। और अगर कोई हिंदी वाला है तो थोड़ा 10-20 सेकंड आगे करके देखो, हिंदी में भी मैंने डाल रखी है, ये पूरा आपको लिखना है और ये आपको यहाँ तक डालना है, फिर इसके बाद यहाँ पर रुक जाना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको थ्योरीज लिखनी है, तो थ्योरीज में आपको यहाँ पे लिखना है जस्टिस, यहाँ पे डेफिनेशन है, तो यहाँ से आप नीचे तक पूरा लिखोगे। ये क्रॉल्स की थ्योरी है, ठीक है, क्रॉल्स के अकॉर्डिंग, तो आपको ये पूरा लिखना है। ये तीन पैराग्राफ आपको दिख रहे हैं, बस तीन पैराग्राफ लिखने हैं, इसके बाद आपको रुक जाना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से शुरू करना है, इधर से रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, फिर ये नीचे लिखना है। और हिंदी वाले बच्चों के लिए 10-20 सेकंड भाई आगे करो वीडियो को, तो आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, हिंदी में भी इसी वीडियो में, कोई दूसरी वीडियो नहीं है, इसी में है, हिंदी में। ये सारी थ्योरीज हैं, यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ पे आपका आंसर नंबर जो है फोर्थ जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी हिंदी वाले के लिए बताते हैं। हाँ दोस्तों, तो देखो जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको जस्टिस का लिखना कहाँ से, न्याय क्या है, तो आपको न्याय यहाँ से लिखना है, पहले ये पूरा उतारोगे नीचे तक, तो हिंदी वाले बच्चों को यहाँ से लिखना है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैंने अभी बताया था, ये अब हिंदी वालों को लिखना है, ठीक है, सेम टू सेम है आपका। तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ तक लिखना है, इसके बाद आपको रुक जाना है। और उसके बाद फिर जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको न्याय की परिभाषा यहाँ पे क्रॉल्स के हिसाब से यहाँ से लिखनी है पूरी नीचे तक, ये नीचे वाला लिखना है, फिर ये लिखना है। ये तीन पैराग्राफ आपको दिख रहे हैं, जिम्मेदारी लेती है, बस यहाँ तक आपको रुकना है, ठीक है, यहाँ पर रुक जाना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है, इस जगह से, तो लिखोगे कहाँ से, इस जगह से आप लिखोगे, इसके नीचे नीचे निष्पक्षता के रूप में न्याय, ये सारी थ्योरीज हैं, ये सारा आपको लिखना है हिंदी में। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हम आपको इसी तरह से वो भी एग्ज़ाम्स में हेल्प करवाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लिखना है, इसके बाद आपको रुक जाना है यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतनी। बाकी सारी वीडियो मैंने डाल दी है, पहला दूसरा तीसरा सारे आंसर डाल रखे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, जाके चेकआउट कर लेना। थैंक यू।